इसमें पुलिस को, सोनीपत पुलिस को कामयाबी मिली है। इसमें जो कंप्लेनेंट के साथ जो एसोसिएट था, जो उस दिन गए हुए थे अमाउंट लेके, लगभग 18 लाख का अमाउंट था, तो उसी ने इसका मास्टरमाइंड किया था। और उसके साथी दो थे जो पुलिस यूनिफॉर्म में थे, और उन्होंने ये अमाउंट स्नैच किया है। इसके बारे में जो मेन जो एसोसिएट था जिसने ये काम किया है, जो इसका मास्टरमाइंड है संदीप, उसकी गिरफ्तारी पुलिस ने की है। सर, ये वर्दी दिल्ली पुलिस की थी या हरियाणा पुलिस की थी जो इन्होंने पैर रखी थी? ये चीज़ क्लियर नहीं हो पाई, लेकिन जो अब तक की जो पूछताछ हो रही है वो उसमें यही था कि पुलिस यूनिफॉर्म में थे, एंड आने वाली पूछताछ में, इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। दीप रहने वाला बयापुर का है, और अभी तक करेंसी तो बरामद नहीं हुई है, क्योंकि दो बंदे इसमें बकाया है, जो इसने प्लान बना के दो बंदों से पुलिस यूनिफॉर्म में लूट करवाई थी। वो जब पकड़े जाएंगे तभी ये करेंसी अमाउंट जो है वो बरामद होगा। पिन नंबर पूछ कर, खाता नंबर पूछ कर, क्रेडिट कार्ड का जैसे बोर्ड, ये सब ये ट्रेस है, तो इस पे कोई वर्क नहीं होता क्या? कितने केसेस हैं ऐसे यस, ये केसेस कम सर, से कम फोन हाँ के केसेस होंगे, कम से कम सर तीस वो तीस केसेस फेक होंगे, कॉल तो इतनी अच्छी सर, वो पिन नहीं नंबर तीस पूछ केसेस रहे साल के हैं। थे, कम से कम 30 केसेस साल के। बड़े व्यापारी भी हैं और नहीं इसमें सर गरीब जी, आदमी भी हैं। यानी होता क्या है, फोन आएगा सर आपसे, फोन कॉल आएगी, हम पिन नंबर एसबीआई से बोल पूछ रहे हैं, आप अपना पिन नंबर सिंपल से आदमी होते जी बता देते, वो सोचते चेंज होगा ये पिन लेकर पैसे उठा लेते सर। कार्ड का, एटीएम कार्ड का नंबर पूछ लेते हैं। एक बार रीडर को बुलाइए। तो इस तरह के केसेस को हम थोड़े आईटी सेवी हाँ जो जी अपने जी बंदे जी हैं उनको दे देंगे, क्योंकि सारे जो उन्हीं से अच्छा, तो इन तरह की चीज़ों में अगर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन टाइप खुल जाए तो बेटर रहता है, क्योंकि वो उसमें कैपेसिटी बिल्डिंग हो जाती है और ठीक रहता है। आने वो रीडर साहब, गर्दन ऊपर करिए भाई, इसने लूट दी है ये। वाह जी, तो आपके दुकान देखी थी, धन्यवाद जो सारे भाई बस ओके साहब। ये वाइट कर लेंगे।